तो गाइस यहाँ पे अगर आप यूट्यूब पे शॉर्ट्स वीडियो बनाते हो एंड उसको यूट्यूब पे अपलोड करते हो, तो उसमें कई बार होता ये है कि यूट्यूब का जो वीडियो होता है वो शॉर्ट सेक्शन में नहीं जाता है, नॉर्मल वीडियो के सेक्शन में चला जाता है। तो उस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ पहले ही, तो उसमें मैंने वो बता दिया कि क्यों जाता है, किस में कौन सा मिस्टेक करते हो आप जिसकी वजह से वो जो आपका वीडियो होता है वो शॉर्ट सेक्शन में जाके आपका लॉन्ग नॉर्मल वाली वीडियो में काउंट होता है, तो कैसे उसको ठीक करना है मैंने तो वो तो बता दिया। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आपके लिए वीडियो लाऊंगा, तो मतलब कि कैसे एडिट करना शॉर्ट वीडियो को, वो मैं आपको बताऊंगा एक वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि कैसे आप जो अपना मतलब कि शॉर्ट्स वीडियो है उसको कैसे आप अपने फ़ोन में एडिट कर सकते हो, एंड किस बात को आपको ध्यान में रख के एक वीडियो शॉर्ट वीडियो को एडिट करना है जिससे कि वो आपका एक शॉर्ट्स वीडियो कहलाए यूट्यूब की तरफ से। तो वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड हेल्पफुल भी। तो वीडियो को आप लोग कंप्लीट वॉच करिएगा, एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम विकास कुमार एंड आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टेक ग्रो ऑफिशियल में। सो गाइस अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि और भी इस टाइप के कंटेंट्स आपको पता है मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। सो चलिए गाइस बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो लेट्स रोल द इंट्रो। सो गाइस यहाँ पे आपको एक शॉर्ट्स वीडियो एडिट करने के लिए बेसिकली एक एडिटर की मदद लेनी पड़ेगी, यानी कि एडिट करना है तो एक एडिटर तो होना ही चाहिए। तो बेसिकली जो भी यूट्यूबर्स हैं आजकल, तो अगर वो फ़ोन में एडिट करते हैं अपने वीडियोस को, तो उनके पास एक ही कॉमन जो है मतलब कि एडिटर होता है जो कि है काइंड मास्टर। तो उसमें ही मैं आपको एडिट करके दिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ जो कि आपको मतलब कि ध्यान में रख के एडिट करना है। सबसे पहला पॉइंट जो कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको ध्यान में रखना ही रखना है, जब भी आप कोई वीडियो शॉर्ट्स वीडियो शूट करो, चाहे वो आपका फेसकैम वीडियो हो या फिर आपका स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियो हो, ठीक है तो उसको आपको ध्यान में रखें 9:16 के रेशियो में रखना है। अगर उस रेशियो में नहीं होगा तो वीडियो आपका शॉर्ट्स वीडियो नहीं कहलाएगा। सेम टू सेम ऐसा ही है, जब आप फेसकैम वीडियो बनाओ तो उसको आपको वर्टिकली फ़ोन को मतलब कि पकड़े रखना है, ना कि उसको हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो उस टाइप से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो वर्टिकली आप बना लीजिए वीडियो को। मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, यहाँ पे अगर हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग में जाते हैं, ओके मैं यहाँ पे जाता हूँ, एंड इसमें जाने के बाद यहीं पे मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप मतलब कि फॉर एग्जांपल कि आप जो है अपना क्या बोल रहे हैं, हाँ फॉर एग्जांपल कि आप यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियोस शूट करते हो शॉर्ट्स वीडियो में, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ कैसे करना है बता देता हूँ। यहाँ पे आपको स्क्रीन रिकॉर्डेड मतलब कि सेटिंग्स में जाना है, एंड यहाँ पे आपको एक ऐसा कुछ ऑप्शन हो रहा होगा। तो ये अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए हो नहीं रहा है। बेसिकली यहीं पे आपको जाके 9:16 का रेशियो सेलेक्ट करना होगा, या फिर ऑटो सेलेक्ट कर सकते हो। 9:16 में वो आपका 9:16 में ही रिकॉर्ड होगा, लेकिन ऑटो में बेसिकली होता ही है कि इसमें आप जब भी मतलब कि ऑटो में रखोगे, तो आप जैसे ही आप अपने फ़ोन को वर्टिकली रखोगे, हाथ में पकड़े रखोगे, तो वो 9:16 के रेशियो में रिकॉर्ड होगा। लेकिन अगर आप उसमें कोई ऐसा वीडियो चलाते हो जो कि मतलब कि 16:9 के रेशियो में हो जाता है, तो वो उसके रेशियो में भी ले लेगा, यानी कि दोनों वीडियो आपका रिकॉर्ड हो जाएगा। ऑटो में यही होता है, दोनों आपका आएगा, लेकिन 9:16 में अगर आप रखोगे तो सिर्फ आपका वर्टिकली ही आएगा, जो कि आपको रखना है अगर आप शॉर्ट्स वीडियो बना रहे हो, ठीक है। एंड एक 16:9 का भी होता है, तो उसमें बेसिकली कुछ नहीं करना है, बस आपको 9:16 रखना है या फिर ऑटो रखना है, दोनों में से आप एक काम कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको एडिट करने के लिए काइंड मास्टर जो है उसको ओपन कर लेते हैं। एंड उसको ओपन करने के बाद बेसिकली यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेप, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना जो प्रोजेक्ट नेम है वो यहाँ पे डाल देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं डाल देता हूँ यहाँ पे शॉर्ट्स, एंड उसके बाद यहाँ पे आपको जो है नीचे एक एस्पेक्ट रेशियो का जो है ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो इस यही पे एक पॉइंट आता है। सेकेंड पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे जो आपको एडिटिंग करते वक्त एक चीज़ और ध्यान में रखना है, सेकेंड पॉइंट वो है आपका वीडियो का रेशियो, एडिटिंग वीडियो का रेशियो, यानी जो आप वीडियो एडिट कर रहे हो उसका रेशियो। तो यहाँ पे आपको इसमें कोई भी रेशियो नहीं सेलेक्ट करना है, सिर्फ एक रेशियो सेलेक्ट करना है, वो है 9:16 का रेशियो, यही एक शॉर्ट वीडियो का रेशियो होता है, तो ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन पे क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद बेसिकली यहाँ पे आपका कैनवास कुछ इस टाइप से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आपको बेसिकली उस वीडियो को इम्पोर्ट कर लेना है जिसको कि अब आपको एडिट करना हो शॉर्ट्स वीडियो को। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वीडियो शूट किया था अपने शॉर्ट्स चैनल के लिए, तो उस वीडियो को मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, ओके। एंड उसको इंपोर्ट करने के बाद बेसिकली ये हमारा ऐसा वीडियो आ रहा है, ओके। इसको तो हमने लाइक फॉर एग्जाम्पल की मैंने इसको उसमें सेलेक्ट कर दिया था, तो उसको मैं आप अगर बाई मिस्टेक अगर आप इसको ऐसा हो जाता है आपका, वैसे तो मैं ये हमारा 9:16 के रेशियो में हमने वीडियो बनाया, लेकिन ये
ऐसा हो गया है, ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे यहाँ पे हम जाएंगे 3 डॉट पे एंड डुप्लीकेट एज अ लेयर पे अगर हम क्लिक करेंगे तो इसको हम इजीली रोटेट कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। एडजस्ट हो जाएगा ये हमारा। अब देख लीजिए हमारा वीडियो कुछ ऐसा हो गया है। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट वाला लेयर है इस वीडियो का लेयर का जो पूरा ऑडियो है आपको कम कर देना है, ठीक है। एंड उसके बाद नीचे वाले ऑडियो को आपको पूरा रहने देना। एंड उसके बाद मैं आपको एक बार पूरा वीडियो दिखा देता हूँ। ये देखिए कभी कभार हो जाता है कि वो आपका जो स्क्रीन का इशू होता है ना उसके अंदर वो और जल्दी आपका वीडियो मतलब कि हो जाता है, आ जाता है। तो आप इस टाइप से एडिट कर सकते हो, पूरा अपने फ्रेम में एडजस्ट कर सकते हो। तो वो करने के बाद बेसिकली यहाँ पे आपको अपने वीडियो में जो भी कट्स वगैरह लगाना है वो लगा लीजिए। फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पे कट लगा देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे बोलना स्टार्ट किया है, तो थोड़ा सा और आगे मेरे को जाना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे मैं जाता हूँ, स्प्लिट पे क्लिक करूँगा एंड इस लेयर को भी स्प्लिट पे क्लिक करूँगा एंड देन उसके बाद इस वाले लेयर को मैं डिलीट करूँगा एंड इसको भी डिलीट करूँगा। अब ये हमारा आ गया। ओके, तो इतना मैंने कटआउट कर दिया एंड पीछे से भी थोड़ा सा मेरे को कटआउट करना होगा तो वो भी हम कर देते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ, इसको स्प्लिट एंड इसको भी स्प्लिट कर देंगे हम। इसको स्प्लिट करने के बाद दोनों जो एक्स्ट्रा लेयर एक्स्ट्रा वीडियो है उसको हम डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा वीडियो का जो मतलब कि वो था वो हमारा तो रेडी हो चुका है। यानी कि अगर इसमें आपको टेक्स्ट वगैरह कुछ ऐड करना हो तो यहाँ पे आप लेयर पे जा सकते हो, टेक्स्ट पे जा सकते हो। एंड टेक्स्ट पे जाने के बाद बेसिकली एक बार हम देख लेते हैं समझ सही किया कि नहीं। सो गाइस, मैंने यहाँ पे धनिया ऐप्स, ओके, तो ये तो इधर हो गया एंड एंड में देखते हैं। ओके, तो और एक्स्ट्रा पार्ट है हमारा उसको भी हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे सिंपली से। ओके, नाउ इट्स परफेक्ट। मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस, ये यहाँ पे जाएंगे एंड में हम एंड ये देखिए तो ओके, तो ये तो हो गया हमारा वीडियो का स्प्लिटिंग वगैरह जो भी करना था कटआउट्स तो वो हमने कर दिया। अब इसमें बारी आती है कुछ टेक्स्ट ऐड करने की। तो यहाँ पे मैंने मतलब कि आप ऐड कर सकते हो टेक्स्ट भी, तो मैं देख लेता हूँ कहाँ पे ऐड करना है मेरे को। सो गाइस, मैंने यहाँ पे धनी ऐप से एक ईयरफोन, तो यहाँ पे मैं लाइक ईयरफोन बोला है तो ईयरफोन मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल की ऐड कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ओके पे क्लिक कर दूंगा एंड ओके पे क्लिक करने के बाद ये टेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा कुछ। तो कलर तो हमको इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको हम ब्लेंडिंग दे देंगे, आउटलाइन दे देंगे थोड़ा सा। तो आउटलाइन पे जाएंगे, इसको इनेबल कर देंगे एंड यहाँ से इसका कलर जो है वो हम फॉर एग्जांपल की ब्लैक ले लेते हैं, देखते कैसा लगता है। ओके, इट्स लुकिंग ऑसम। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसका जो है ओपेसिटी थोड़ा कम कर दूंगा, ओके 9, ओके। एंड उसके बाद मैं पीछे जाता हूँ, पीछे जाने के बाद थोड़ा सा इसको बड़ा करूँगा एंड यहाँ पे सेंटर में इसको एडजस्ट कर दूंगा। उसके बाद बेसिकली यहाँ पे हम जाएंगे फॉर एग्जांपल इन एनिमेशन में एंड यहाँ से मैं स्लाइड राइट सेलेक्ट कर लूँगा। इसका एनिमेशन मैं 0.1 को एंड 0.5 के बीच में सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद आउट एनिमेशन पे जाऊंगा, सेम यहाँ पे स्लाइड लेफ्ट सेलेक्ट कर लूँगा मैं एंड इसका जो है हमारा टाइमिंग भी वही सेलेक्ट कर लूँगा। ओके, तो टाइमिंग का तो हो गया, यहाँ पे टेक्स्ट भी हमने ऐड कर दिया, देख लेते हैं। एक ईयरफोन ऑर्डर किया था जिसका प्राइस आप देख सकते हो, मैं आपको। ओके, तो ये टेक्स्ट को हम जो एक्स्ट्रा पार्ट है अब मैं यहाँ पे एक साउंड इफेक्ट लगाना चाहता हूँ अपने वीडियो में। तो यहाँ पे ऑडियो पे मैं जाऊँगा, सॉन्ग्स पे जाऊँगा एंड यहाँ पे मेरा एक साउंड इफेक्ट है जिसको कि मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, तो ये देखते हैं। ओके, एंड इसको मैंने लगा लिया है। तो यहाँ पे मेरा इतना था कि साउंड इफेक्ट जो है वो है, तो इसको मैं ट्रिम कर लूँगा बेसिकली, राइट। तो ये हमारा आ गया है, इसको भी ट्रिम कर लेंगे दोनों को अलग अलग। जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको भी स्प्लिट कर देंगे
पार्ट है इसको डिलीट। अब दिखाते हैं मैं आपको इसको थोड़ा सा और कर देंगे उसके बाद इसको डिलीट करेंगे। उसके बाद पीछे आएंगे एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ एक ईयरफोन ऑर्डर किया था जिसका प्राइस आप देख सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ